पुलिस वाले के सामने शहादत पर परोसा गया अश्लील डांस, वर्दी वाले भी मजे लेने में रहे मस्त। धनबाद के गोमो स्थित हरियरपुर थाना के ठीक पीछे महज 1 मीटर की दूरी पर रेलवे ग्राउंड में बीती रात सदानंद झा मेला समिति के द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। ऑर्केस्ट्रा में बार बालाओं ने जमकर अश्लील डांस किए, जिसमें जमकर अश्लीलता परोसी गई। इस फुहड़ता का गवाह गोमो स्थित हरियरपुर थाना के प्रभारी अग्नु भगत सहित अन्य पुलिस कर्मी भी बने। ऐसा लग रहा था जैसे इस अश्लीलता भरे ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व खुद थाना प्रभारी कर रहे हैं। अन्य पुलिस कर्मी बड़े चाव से इस फुहड़ता का मजा लेते रहे, जिसमें थाने के जवान और कई पदाधिकारी मौजूद थे। करीब रात के 2 बजे तक अश्लीलता की हद हो गई। गोमो रेलवे ग्राउंड में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी सदानंद झा का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 27वें शहादत दिवस के मौके पर मेले का आयोजन किया गया है, जो 11 मार्च से 22 मार्च तक होनी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने 11 मार्च को सदानंद झा की शहादत वेदी पर माला अर्पण कर मेले का शुभारंभ किया था। काफ़ी निंदनीय है और हमेशा से इस तरह का घटना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेताओं का चरित्र उजागर होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलती है कि हम शहीदों को सम्मान करते हैं, लेकिन शहीदों का सम्मान करना इस तरह का अश्लील डांस करके शहीदों को सम्मान नहीं किया जा सकता। आज कहीं भी हमारे शहीद सदानंद झा जी का आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को खुले रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह का आयोजन जो किए हैं काफ़ी निंदनीय है, इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। और आए दिन यहाँ पे इस तरह का अश्लील डांस और अश्लील कार्यक्रम का आयोजन होता है, यह काफ़ी गलत प्रभाव समाज में गलत प्रभाव जाता है। आने वाला दिन में इस तरह का काम ना हो। आज पूरा देश में कोरोना से लड़ने के लिए तरह तरह के एहतियातन काम किया जा रहा है, लेकिन इस तरह का पब्लिक का जमावड़ा लगा कर माँ बहनों को वहाँ पर सामने बैठाकर इस तरह का अश्लील कार्यक्रम करना, ये काफ़ी गलत बात है और हम कड़ी शब्दों से इसका निंदा करना चाहते हैं।